कोरोना के खतरे से सरकार अलर्ट है, लेकिन कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। सुमन के फॉर्मूले से कोरोना को हराया जा सकता है। क्या है सुमन फॉर्मूला, बता रहे रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के चौड़ी डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कहर बरपा रहा है, और वैसे में भारत सरकार ने सभी राज्यों को कई दिशा निर्देश दिए हैं कि अब लोगों को एक बार फिर से जागरूक होना होगा। और कोरोना के पहले, दूसरे, तीसरे लहर में जिस तरह से लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया, एक बार फिर लोगों को कोरोना के बचाव के लिए जो दिशा निर्देश भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बताए गए हैं, उसका अक्षरशः पालन करने की जरूरत है। हमारे साथ रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अशोक हैं, उनसे बात करते हैं और एक बार फिर जानना चाहते हैं कि सर, कोरोना के पहले, दूसरे, तीसरे लहर में जिस तरह से आप लोगों ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाई और एक योद्धा की तरह आपके जो चिकित्सक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, यानी कि पूरा माइक्रोबायोलॉजी विभाग जो रिम्स का रहा, वो एक योद्धा की तरह डटा रहा। शायद यही कारण है कि हम लोगों ने कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे लहर से निजात पा ली। लेकिन फिर से एक बार कोरोना रिटर्न हो चुका है सर। आपने एक फॉर्मूला बताया था हैंड वॉशिंग का, सुमन के, क्या है वो फॉर्मूला सर? एक बार फिर से हम अपने लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि कैसे अपने वो हाथों की साफ सफाई रख सकते हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। देखिए, सुमन के एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के उपयोग से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से हैंड हाइजीन मेंटेन किया जाता है, हाथ को धोया जाता है। सुमन के में पहला अक्षर है एस। एस का अर्थ होता है सीधा। जैसे है कि ये हाथ है, ये हमारा सीधा हुआ। दूसरा है यू। यू का अर्थ है उल्टा। तो ये हमारा उल्टा हाथ है। इस तरह से करेंगे दोनों हाथ को। यू के बाद एम आता है। एम का अर्थ है मुट्ठी। मुट्ठी, तो हम मुट्ठी को करेंगे। उसके बाद आता है ए। ए का अर्थ है अंगूठा। हम इस तरह से अंगूठा को वास करेंगे। अब आया है एन। एन से है नाखून। हम पूरे नाखून को इस तरह से क्लीन करेंगे। लास्ट में है के। के का अर्थ है कलाई। तो हम कलाई को इस तरह से वॉश करके फिर पूरे को साबुन पानी से धोल करके ये प्रक्रिया हम 60 सेकेंड यानी एक मिनट तक करेंगे। ये अगर हम साबुन और पानी यूज करेंगे तो एक मिनट का यूज करेंगे। अगर ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करते हैं तब इसमें हम 30 सेकेंड्स का समय देते हैं। लेकिन प्रक्रिया सुमन के ही अपनाना पड़ेगा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। बिल्कुल, तो सुमन के फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। और वैसे में अब जरूरत है आम झारखंडियों का, आम भारतवासियों का, कि वह एक बार फिर अपने जागरूकता का परिचय दें ताकि इस कोरोना के नए वेरिएंट से निपटा जा सके। सहयोगी कुणाल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।